हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। आज आपका स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 डेसिमल्स। तो अभी पहले मैं इसका आपको बताती हूँ डेसिमल में होता क्या है। क्या है डेसिमल, व्हाट इज डेसिमल? तो कोई भी नंबर अगर आपने लिखा 2.5 तो क्या हो गया, ये डेसिमल में हो गया। इसका ये वाला पार्ट क्या है, डेसिमल पार्ट है। तो जैसे सपोज करिए आपके पास एक पेंसिल है, ये कितनी बड़ी है, 2 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो अब यहां पे क्या हो गया, मिलीमीटर क्या है, सेंटीमीटर का पार्ट है। इसमें क्या होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना हो, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मिलीमीटर, तो हम कैसे लिखेंगे? अब यहां पे आपको ये पता है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट मीन्स यहां है 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा, हमने यहां पे क्या किया है, इसको 10 से डिवाइड कर दिया तभी तो 1 आया। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर या 1/10 सेंटीमीटर। और इसको अगर आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, 1 है। अब अगर यहां पे आपके पास फिगर कुछ नहीं है, ये नंबर छोटा है इससे, तो क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लगाया, उसके बाद एक 0 मिल गया हमें। तो क्या हो गया, 10 × 1 = 10। तो ये 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो दैट मीन्स 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब इसमें 0.1 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब यहां पे कितना है आपका, 8 mm। तो 8 mm कितना हो गया, 1 mm इक्वल टू 0.1। तो 0.1 × 8 तो कितना हो गया, 0.8 सेंटीमीटर। तो अब इसकी पेंसिल जो आपके पास है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर और 8 mm। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, और 2 सेंटीमीटर और 8 mm की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 8.8 सेंटीमीटर। तो प्लस 0.8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 + 0.8 = 2.8 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर 8 mm मिलके क्या बन गया, 2.8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मिलीमीटर क्या है, सेंटीमीटर का 1/10 है। तो ये जो हमारा 1 से छोटा हो गया फ्रैक्शन, जो भी है ये फ्रैक्शन बना हमारा, पहले फ्रैक्शन हमेशा क्या है, 1/10 है, तो 1 से छोटा हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, डेसिमल नंबर। दैट मीन्स कोई भी नंबर है अगर 1, 2, 3, 0.46, तो पॉइंट के इधर जो है वो क्या है, होल नंबर्स हैं, और इधर 4, 6 डेसिमल के नंबर्स होते हैं। अब ये देखिएगा, मैं इसमें आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत इजी हो जाएगा इससे आपका डेसिमल का। आप इस चार्ट को हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए, कोई भी नंबर है तो सबसे पहले क्या होता है, कौन सी प्लेस, जैसे यहां बहुत सारी प्लेसेस बनी हुई है, इसमें हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, 4, 5, 7, 9, 2, 3, 0, कुछ भी, ठीक है। तो जो पॉइंट लगा है आपका, उसके बाद फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 1s का। फिर सेकंड प्लेस कौन सी होती है, यहां पे 9 हो गया 1s का नंबर। 7 क्या हो गया, 10s का, ये तो आप सबको पता ही है ना, ये तो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं आप 10s। ये 5 क्या है, 100, और ये वाला क्या हो गया, 1000, ठीक है ना। 1s की प्लेस, 10s की प्लेस, 100 की प्लेस, 1000 की प्लेस। अब इसी तरह से पॉइंट के इधर, मतलब जो होल नंबर से छोटे नंबर हैं, इसमें क्या होगा, ये सबसे पहला क्या हो गया, 1/10, ये। फिर ये वाली प्लेस वैल्यू क्या आई, 100, है ना। ये हो गया 10th प्लेस,
देखिए ये वन सेंटर में लिया आपने, उसके बाद ये टेंस हंड्रेड, अब वंस के इधर टेंथ, यहां टेंस की प्लेस है और यहां टेंथ की प्लेस है, यानी कि ये तो पूरा टेन वैल्यू है इसकी और इसकी वैल्यू क्या है वन बाय टेन, ऐसी इसकी ये हंड्रेड प्लेस वैल्यू है हंड्रेड और इसकी क्या होगी हंड्रेड वन बाय हंड्रेड, मतलब यहाँ पे थ्री की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको थ्री की वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है तो ये हंड्रेड की प्लेस पे है तो आप लिखेंगे थ्री बाय हंड्रेड, मतलब थ्री को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर थ्री की वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है हंड्रेड प्लेस पर है। ऐसी टू की वैल्यू क्या होगी, टू को किससे डिवाइड करेंगे, टू को टेन से डिवाइड कर देंगे हम, तो जो भी वैल्यू आएगी वो टू की वैल्यू होगी क्योंकि टू किस प्लेस पे है टेंथ प्लेस पे। इसी तरह से ये हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये हंड्रेड थे तो ये थाउजेंड, जहां पे भी लास्ट में ये टीएच लग गया दैट मींस उसे हम थाउजेंड उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे टेंथ के आगे लगा है तो टेन है तो टेन से डिवाइड करेंगे, हंड्रेड है तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे, थाउजेंड है तो इसको हम क्या करेंगे वन बाय थाउजेंड, जो भी प्लेस वैल्यू होगी, यहां जीरो है अगर यहां मान लीजिए फाइव होता तो लिखते हैं हम यहाँ फाइव बाय वन थाउजेंड, तो ये हो गया आपका पूरा। अगर आपने सिर्फ इसको भी याद रखा इस चीज को तो आपका डेसिमल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाए। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, प्लेस वैल्यू चार्ट को जैसे होता है ये वंस की प्लेस है, फिर टेंस की प्लेस है, फिर हंड्रेड की प्लेस है, फिर थाउजेंड की प्लेस है, इसी तरह से वंस के इधर जैसे टेन हंड्रेड थाउजेंड बढ़ते जा रहे हैं, इधर टेंथ हंड्रेड थाउजेंड सब में, यहां पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सेवन की वैल्यू क्या होगी सेवन बाय इंटू टेन, फाइव की वैल्यू क्या होगी फाइव इंटू हंड्रेड, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड में आते जा रहे हैं नंबर, और इधर डेसिमल के इस साइड है जो राइट साइड में उसमें हम डिवाइड करेंगे, टेंथ का है टेंथ का तो टेंथ से डिवाइड करेंगे, हंड्रेड है तो हंड्रेड से डिवाइड करेंगे, थाउजेंड है तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे। अब इसी के थ्रू अगर आपको दो डेसिमल या दो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे सपोज करिए आपके पास एक नंबर है टू बाय फाइव, राइट, एक नंबर है सिक्स बाय टेन, ठीक है, तो अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है पहले तो चलिए हम दोनों चीजें इसमें सीख लेते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना फिर उसमें कंपैरिजन करना। तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, नीचे 10 लेके आना है, तो 5 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 4 बाय 10 और ये तो 6 बाय 10 है ही, तो देखिए 4 बाय 10 है तो मतलब 4 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बस 0.4। यहां पे देखिए टेंथ की प्लेस पे जो भी नंबर है उसको 10 से डिवाइड करते हैं हम, यहां पे 2 था तो 2 बाय 10 हो गया, 4 बाय 10 है तो क्या होगा वो इस जगह आएगा, वन टेंथ की प्लेस पर है क्योंकि ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि डॉट के बाद फर्स्ट प्लेस पे 4 आ जाएगा, इसी तरह से ये फर्स्ट प्लेस पे 6 आ जाएगा। अब यहां पे कौन सा नंबर बड़ा है, दोनों की प्लेस वैल्यू पहले हम देखेंगे, सेम प्लेस वैल्यू तो ये बड़ा है तो ये नंबर हमारा बिग हो गया क्योंकि 6 जो है 4 से बड़ा है। अब अगर यहां पर होता 6 की जगह 6 10 की जगह होता हमारा 6 बाय 100, ध्यान से देखिएगा इसमें अभी 6 को हमने 100 से डिवाइड किया है, नीचे क्या है 100th की प्लेस वैल्यू है तो ये क्या होगा डेसिमल के बाद एक प्लेस वैल्यू क्या होगी 10th की, दूसरी होती है 100th की तो यहां पर आएगा 6 और यहां पे कुछ नहीं है तो हो गया 0, ये बना। अब अगर हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है 4 छोटा है 6 बड़ा है बट यहां पे हम प्लेस वैल्यू से चलते हैं, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई हमारी टेंथ की वैल्यू, तो टेंथ में यहां 4 है यहां 0 है
तो 4 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इस केस में हमारा ये वाला वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, किससे, इससे, क्योंकि हम 4 और 6 का कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम करेंगे जो 10th की प्लेस पे जो भी वैल्यू है उससे कंपैरिजन करेंगे, यहां 0 है यहां 4 है, तो हमने तो इसका 4 का 0 से कंपैरिजन करा, ना कि 4 का 6 से। तो इस तरह से हमारे ये फ्रैक्शन को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब ये इसमें आगे आपके काफी सारी चीजें आएंगी, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर, फिर 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर हमें कोई, मान लीजिए आपको दिया है 80 ग्राम, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपने सेंटीमीटर और एमएम को कन्वर्ट करा था उसी तरह से इसे भी करेंगे, जैसे 80 ग्राम है, तो यहां पे हमारे को पता है 1000 ग्राम इक्वल टू क्या है, 1 केजी, तो 1 ग्राम क्या हुआ, यहां पे क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहां भी क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें पूछा है 80 ग्राम, तो यहां पे क्या किया हमने, इधर लेफ्ट साइड में 80 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो 1 को 80 से मल्टीप्लाई किया 80 आया, तो यहां पे भी हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80/1000 केजी, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या बचा, 8/100 केजी। तो अब ये देखिए 8 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 100th की प्लेस वैल्यू पे है, तो दैट मींस पॉइंट लगाया और उसके बाद 10 टेंथ की प्लेस पे और 100th की प्लेस पे आ गया 8, तो 80 ग्राम इक्वल टू 0.08 केजी। यहां पे ये देख लीजिए वापस से आप, 80 ग्राम इक्वल टू क्या होगा, 80/1000, 0 से 0 ऊपर एक एक 0 कट कर दिया, तो क्या बचा है, 8/100। अब ये क्या है, नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कौन सी प्लेस हो गई 8 की, 100th प्लेस हो गई, कौन सी, डॉट डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस है 100th प्लेस, तो ये हो गई 0.08 केजी, 80 ग्राम इक्वल टू 0.08 केजी। इसी तरह से आपकी पूरे डेसिमल्स में क्वेश्चन है, बस आप इतना सा अगर आपने समझ लिया ढंग से तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और अब हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं आपकी, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो, अच्छा लगे या कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।